तो 2022 के रण में इस वक्त मुद्दों की भी राजनीति हो रखी है और बयानों की भी राजनीति हो रखी है। वार पलटवार का दौर लगातार अपने चरम पर बढ़ रहा है। सबसे पहले हम पंजाब की बात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब में दिग्गजों ने धुआंधार प्रचार किया है। अंतिम दौर के प्रचार में तमाम पार्टियों के दिग्गज चुनावी रण में उतर चुके हैं। लुधियाना में विपक्ष पर बरसे गृहमंत्री अमित शाह। अमृतसर में आम आदमी पार्टी का रोड शो देखने को मिला है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के रोड शो में उनके कार्यकर्ता उमड़े हैं। और कोटकपुरा में सरकार पर प्रियंका गांधी बरसी हैं। तो केंद्र सरकार पर प्रियंका गांधी ने जमकर वार किए हैं और लगातार हम ये देख रहे हैं कि चुनावों में दिग्गज चुनावी रण में प्रचार कर रखे हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर अब चरम पर पहुंचता जा रहा है। तो अंतिम दौर का यह प्रचार है, वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। लगातार कांग्रेस सीधा केंद्र को निशाने पर ले रही है, तो वहीं अलग अलग राज्यों में चुनावी प्रचार के दौरान पार्टियों के जो मुद्दे हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि ये जो मुद्दे हैं क्या ये आम आदमी के मुद्दे हैं या फिर नेताओं के अपने ही मुद्दे हैं, अपने ही जुमले हैं। अब बड़ी बात यह भी है कि आम जनता कौन से मुद्दों से प्रभावित होती है, किस पार्टी में अपना विश्वास जताती है, फिलहाल इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा। और आज के दिन जो प्रचार हमने देखा है उसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि तमाम जो ठीक है पंजाब के अंदर कोई लचर सरकार पंजाब और भारत की सुरक्षा कर सकती है क्या? जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? ये चन्नी के नेतृत्व में पंजाब सुरक्षित रह सकता है क्या? अरे भाई, कोई कॉमेडी फिल्म नहीं चलानी है, देश चलाना है, जरा तो संजीदगी से बात करो। हो सकता है क्या, बताइए, हो सकता है क्या? अरे केजरीवाल साहब जो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, उनका सुरक्षा से कोई लेन देन नहीं है। गत चुनाव को याद करना, इनकी चली तो सारे आतंकवादियों को फिर से रिवाइव कर देंगे भैया, रिवाइव कर देंगे। अभी भगवंत मान जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो पार्टी मिलके चुनाव नहीं लड़ सकती, और उसके पहले हमने 111 दिन भी देखे और उसके पहले के 4.5 साल देखे कि किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक सर्कस बन गई है, और ऐसी पार्टी पंजाब को क्या भविष्य देगी जिसमें सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं? ये सरकार कैसे चलाएंगे जब ये पार्टी नहीं चल सकती? आज आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह पंजाब का पूरा एजेंडा तैयार कर रही है, और पंजाब का विकास कैसे होगा अगले 5 साल में वो जनता के साथ पंजाब के विकास की बात कर रही है। कर रही हूं। आपने खुद देखा कि आपने कितना आंदोलन किया, आपने कितनी आवाज उठाई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। तो उनकी तो बात ही नहीं करते, उन्हें आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। लेकिन यहाँ एक और राजनीतिक दल है जो दिल्ली से आया है, अब उनको आप सही तरह से पहचान रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। देखिए, आपके सामने दिल्ली का मॉडल दिखाया जाता है बड़े बड़े विज्ञापनों पे, और आपके पास लोग आकर प्रचार करते हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए, दिल्ली की सरकार देखिए। मत भूलिए मेरे भाइयों और बहनों, एक बार पहले एक ऐसे मॉडल का प्रचार हुआ था 2014 में, जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी थी तो गुजरात मॉडल के आधार पर बनी थी। उसी तरह से जिस तरह आपके सामने आज प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन थे, इतना विकास हुआ है गुजरात में, बिजनेस आसान हो गया है, गरीब नहीं है, सब अमीर हो रहे हैं, सब खुशहाल हैं, किसान खुशहाल है, रोजगार ही रोजगार है। और क्या हुआ? वो मॉडल सिर्फ विज्ञापनों में था,